स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो किया था ना। यस, गुड इवनिंग अनन्या, गुड इवनिंग एवरीवन। तो तुम लोग का टेस्ट हुआ है, उसका रैंक लिस्ट आया क्या? शमिका, मेडिकल बैच का कुछ टेस्ट वगैरह एक होने जा रहा है ना, फिर से टेस्ट नहीं हुआ? एक हुआ था, कुछ टेस्ट हुआ था थोड़े दिन पहले ही, अभी नहीं हुआ, जुलाई बैच का था क्या? वैसे अभी तो एक टेस्ट है तुम्हारा, पार्ट टेस्ट जो है ग्रुप पे अनाउंस भी हुआ है ना, मेडिकल बैच वाले। सीए का नहीं आया रैंक लिस्ट, क्यों? सीए का क्यों नहीं आया निरंजन? ठीक है, फॉरवर्ड करता हूँ मैं, आ जाएगा। आना चाहिए था यार, अब तक क्यों नहीं आया? ठीक है, देखो पोर्शन सुन लो, ठीक है? 27 तारीख को जो पेपर है उसका पोर्शन सुनो। केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज आएगा, गैसियस स्टेट और पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। तो पूरा गैसियस पढ़ा है सबने? रियल गैस पढ़ा है क्या? रियल गैस ही पढ़ा है? सर, अच्छा, रियल गैस हो गया तुम लोग का सबका, हाँ क्योंकि सर, गुरुचरण सर ने सिखाया। हाँ सही बात है। लेकिन ऐसे बच्चे तो नहीं है कुछ जो इंटी से आए हो, क्योंकि बिनानी सर का बाद में स्टार्ट हुआ है, ऐसे कोई है इसमें कि सब गुरु सर की बैच के हैं? सर पहले से गुरु हम सर लोग का का अलग एक है। था, हाँ वही, मतलब हम लोग ओके नॉन इंटी बैच में ही रखे थे, हम लोग सब लोग को। ओके, हाँ ठीक है, तो भी अच्छी बात है। तो तुम्हारा तो फिर तो गैसेस पूरा आ जाएगा, नीट लेवल का जो अपना रहता है, एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो भी पूरा हुआ था ना, वो तो मैंने ही कंप्लीट कराया था बाद में। तो ये दो चैप्टर पूछ रहा हूँ बेसिक, उसमें पार्ट टेस्ट में। उसके बाद जो पढ़ा है वो तो बॉन्डिंग है, वो थोड़ा सा हो पाया है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारी जो बुकलेट्स मिली है जील वाली है ना, उसको ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, तो वो होमवर्क तुम्हें सबमिट करना है, करना है तुम्हें। तो कोई होमवर्क ग्रुप है क्या तुम्हारा केमिस्ट्री का? बोलो जल्दी से बताओ, तो फिर इस बात को फिर फिनिश करें। नहीं है सर, केमिस्ट्री का अभी बना था ना, कोई तो लिंक आया था ग्रुप ग्रुप पे। हाँ नहीं बिल्कुल, अभी 2-3 मिनट पहले। वो हाँ तो Track 2 का है, उस पर भी कर सकते हो। यस, यू कैन ऑल्सो सबमिट ऑन दैट ग्रुप। हाँ बताओ, वही लिंक शेयर कर दूँ, मेडिकल भी हो जाएगा, क्योंकि तो मुझे ही देखना है दोनों, तो मैं शेयर करता हूँ। सेम ग्रुप पे तुम भी डालो ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल वाला है ना। ओके, एक मिनट, सर, सी वुड्स का और एक ग्रुप है शायद। एक और ग्रुप है? नहीं, जो इस बैच में आते हैं ना उनका, देखो मैं ग्रुप का नाम बता रहा हूँ, JZ11, पनवेल वाला है, एक पेन वाला है, एक सीवुड का मेडिकल है, तीनों पे डाल रहा हूँ, ठीक है? तो तीनों पे डाल रहा हूँ मैं, और इस पे ही सबमिशन करोगे होमवर्क का। तो अभी जा रहा है, ओके। मैं उसको ही इतनी देर से बना रहा था ग्रुप्स, क्योंकि तुम लोग ने होमवर्क सबमिट ही नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कैसे हम एसेस करें, कौन बच्चे कर पा रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप होमवर्क जो है वो सबमिट करें, ईच एंड एवरी वन। ओके, अभी बना दिया मैंने, उसमें ही करना है, नो प्रॉब्लम। तुम्हें बस ये लिखना है कि उसमें स्पेसिफाई कर देना, स्पेसिफाई करने के लिए क्या करोगे तुम लोग? हाँ उसमें लिख देना नीट, आगे नीट लिख देना है ना, जब भी अपना नाम लिखना नीट लिख देना। तो वैसे मैं नाम बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, नाम से ही समझ जाऊंगा, बट अच्छा रहेगा स्टार्टिंग में भी नीट लिखो उसमें। होमवर्क सबमिट करने के टाइम पे लिखो, जैसे तुम्हारा नाम श्रावणी है, ठीक है? तो लिखो श्रावणी JIIth बैच, तो ग्रुप तुम्हारा ही है, उसमें नीट लिख दो बस। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से। तो आ जाते हैं हम मेडिकल बैच पे, और जल्दी से तुम्हारा सिलेबस आगे किया जाए। एक मिनट रुको, बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई है क्या? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, तुम ही बता दो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था?
हाइब्रिडाइजेशन, क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हुआ है? यहां तक पढ़े थे क्या? ये देखो जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है वहां तक पढ़े हो क्या? ये वाला जल्दी से बताओ देवांगी। यस यही बारा है ना कि भाई हमने वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों CH4 मॉलिक्यूल जो होता है वो इस एंगल पे रहता है। हाँ हाइब्रिडाइजेशन नॉट स्टार्ट, वेरी गुड। ठीक है अभी उसको स्टार्ट करता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। बट तुम लोग देखो एक काम तुमको करना है, यू हैव टू डू अ सिंपल वर्क। सिंपल चीज क्या है, जो तुम्हें होमवर्क दिया जाए उसको करो। जैसे ही तुम होमवर्क करोगे ना सारी चीजें अपने आप से ट्रैक पे आ जाएंगी। जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं अगर वो क्लास में पढ़ते हैं ना तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, ये नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं इसमें भी अच्छा नहीं आएगा। तो तुम्हारे लिए एक ही काम है कि तुम होमवर्क करो अच्छे से, और जब तुम होमवर्क करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा क्या करना है। क्लास में अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो ये सब चीजें तुम्हें खुद से पता चलती रहेंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तुम जो है रिवाइज करते रहो चीजों को, बस इतना ही बोलूंगा मैं। बाकी तो फिर अपनी क्लास स्टार्ट होने ही जा रही है अब। ओके तो ये ध्यान रहे 11th स्टेट जुलाई 11th मेडिकल तुम्हारे लिए नया बनाया हुआ मैंने, 11th वालों के लिए सब अलग है। ओके तो एक मैं तुम्हारा बनाता हूँ 11th मेडिकल का अलग से, 11th वालों से मिक्स नहीं होना है तुम्हें, तो माइंड नोटबुक में रहेंगे। ओके तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री लिख दे रहा हूँ ताकि अपलोड करते टाइम सर लोग को मैम लोग को पता चल जाए कि केमिस्ट्री का है, कई बार ये डाउट रहता है तो मैं इसके लिए लिख दिया हूँ। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों है? बिकॉज CH4 जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, लास्ट क्लास के नोट्स देख सकते हो अगर तुम्हें लगे कि सर क्या एकदम से स्टार्ट कर दिए हैं, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये एंगल्स थे 90 डिग्री, ठीक है ये वाले एंगल्स यहाँ पे, ये एंगल एक्चुअली इसलिए नहीं पता था क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है ना, ये हमारा 1s और 2s के बीच में है, तो इसकी अपनी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पहले से असाइन नहीं, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये आकर के ओवरलैप कर सकता है, इधर से भी आ सकता है, सामने से भी आ सकता है, तो ये जरूरी नहीं कि ये एंगल 90 डिग्री ही हो, ये इट इज नॉट नेसेसरी। बट प्रैक्टिकली जब देखा हमने, जब साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने क्या पाया कि भाई जो एंगल है CH4 के केस में वो एक तो सॉलिड इसका एंगल है, मीन्स जो CH4 मॉलिक्यूल है वो 2D नहीं है, इट इज ए 3D मॉलिक्यूल, और इसका जो शेप आता है वो कैसा आता है बोलो बच्चों, क्या शेप है ये? ऑक्टाहीड्रल। कैसा शेप है ये? ऑक्टाहीड्रल, हाँ सॉरी टेट्राहेड्रल सॉरी सॉरी सॉरी, टेट्राहेड्रल। यस वेरी गुड। तो मैं तो ये मेरे मन में आ ही नहीं रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली, तो टेट्राहेड्रल, आई हैव टू से टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कैसे बनता है किसी को आइडिया है? जैसे ये कार्बन एटम है ना, तो ये जो एक इसकी ये बॉन्ड हुआ CH वाला, फिर तो दूसरा बॉन्ड जो है वो इससे 109 डिग्री एंगल पे है, ये एंगल बीच का कितना है 109 डिग्री, सारे बॉन्ड लेंथ जो है एक जैसी है, 109.5 लिख लो टू बी प्रेसाइज, ऐसे लिख लें ठीक है। और तीसरा जो है ना, तीसरा वाला वो इस प्लेन के पीछे है एक्चुअली, है ना, यहाँ पे वो नहीं दिखेगा, वो पीछे की तरफ है, तो उसको यहाँ पे अगर नहीं दिखा सकते तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे जैसे प्लेन के बाहर लग रहा है तो प्लेन के बाहर ही मान लो, ये तीसरा वाला ये जो बॉन्ड है ये भी एच के साथ है, और फिर इसके ऊपर जो है एक बॉन्ड है, ये 3D है, और ये तीनों जो है एक में अगर मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा ना, ऐसे यहाँ पॉइंट रखा, हर एक में एक ट्राइंगल बनेगा, ये एक ट्राइंगल, फिर ये देखो मेरा कर्सर तुम्हें दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल ऐसे पीछे से
ये ट्रायंगल हमको दिखेगा, और ऊपर वाले से जब इसको मिलाएंगे हम ऐसे इनको आपस में, तो ये जो शेप बनता है इस पर्टिकुलर शेप को ही हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रॉन। ये शेप क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल शेप, और इस स्ट्रक्चर को, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट, बताओ ये सारे के सारे एंगल्स कितने हैं, 109.5 डिग्री। और ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, प्रैक्टिकली ये सारे के सारे बॉन्ड्स, ऑल द सीएच बॉन्ड्स, ऑल द सीएच बॉन्ड्स इन CH4 हैव सेम बॉन्ड लेंथ। कैसी है उनकी बॉन्ड लेंथ, सेम है, एंड हैव सेम बॉन्ड एनर्जी। उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है एक्चुअली वो भी कैसी है, सेम। मतलब ये चारों के चारों बॉन्ड्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये सारे के सारे बॉन्ड की जो एनर्जी है वो सेम टू सेम है, इनकी स्ट्रेंथ सेम टू सेम है, इनके बीच के जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो हर जगह पे कितने हैं, 109.5 डिग्री। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है, कोई भी इसके अंदर यू कैन से डिस्टॉर्शन नहीं है, बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री जैसी होती है टेट्राहेड्रॉन की वैसी है। अब ये बात तो कंफर्म हो गई, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रहा था कि ऐसा आना चाहिए था, इस तरीके का स्ट्रक्चर आना चाहिए था जिसमें एंगल 90 डिग्री पे बॉन्ड्स के हों और 1s और 2s के बीच का हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। बट प्रैक्टिकल जो हुआ, प्रैक्टिकली जब इसको देखा गया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उससे केवल ट्रेस करने की कोशिश की गई ऊपर के बॉन्ड्स को। तो जो यहाँ पे ये हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज मिली हैं, उनके बीच का एंगल 109.5 डिग्री हमको मिलता है। तो फिर ये पता किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब कार्बन के सारे जो ऑर्बिटल्स हों, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक जैसे हों, तभी तो ये पॉसिबल है। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन के चारों ऑर्बिटल सेम टू सेम है कि नहीं है, पहले बताओ बच्चों, क्या हाइड्रोजन के चारों ऑर्बिटल सिमिलर हैं? तो अगर ये बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, तो कार्बन के ऑर्बिटल्स भी तो कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए ना, तभी तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ सेम होगी, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तभी सेम होता है जब बॉन्ड्स के टाइप जो है, जो बन रहा है उसमें जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं वो एक जैसे हो, तभी तो हम बोलेंगे कि उनके बीच जो बॉन्डिंग है वो सिमिलर होगी, जो बॉन्ड्स बनेंगे वो एक जैसे होंगे। तो हमने क्या देखना है कि यहाँ पे जो कार्बन है इसके चारों के चारों ऑर्बिटल्स वो सिमिलर होने चाहिए, तभी हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो उसको प्रूफ कर पाएगा, किसको, प्रैक्टिकली जो वैल्यूज आएंगे। तो बहुत टफ बात हो गई साइंटिस्ट के लिए ये कि भाई ये कैसे करें, बिकॉज जो हमारे पास पुरानी थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो या फिर जो हमारे पास क्या कहते हैं लुइस थ्योरी हो, उसमें शेप की बातें, एंगल्स की बातें और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बातें वहां पे ज्यादा की नहीं गई थी कभी भी। तो ये पता चला कि कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हों वो कैसे हों, ऑलमोस्ट सिमिलर हों, वो एक जैसे हों और उनके बीच का एंगल 109 डिग्री हो। ये मेरा पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट रुकना तुम लोग, ठीक है, करता हूँ इसके लिए, ये स्क्रॉल अप कर देता हूँ, 1 मिनट रुको खुशी, मैं भी इसको फिर शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड। क्या हो जाता है यार इसमें, यस 1 सेकेंड। अच्छा अभी तक के लिए जो भी डाउट है वो पूछ लेना तुम लोग। शेयर करने पे ही इसमें दिक्कत आ रही है।
हाँ तो यस, अभी दिखा रहा हूँ कुछ पीछे का जो भी बचा हुआ है। नो, इट्स नॉट वर्किंग। नोट कर लो ऊपर का, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट यू हैव टू नोट दिस पर्टिकुलर थिंग्स जो मैंने अभी सिखाई है। नोट करें इसको, और कोई भी इसमें डाउट आया हो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, बहुत ही कम चीजें मैंने बताई एक्चुअली, फिर भी अगर कहीं पे डाउट है तो बताओ मुझे। तो अभी तुमको पता चलेगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, दैट इज इट इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब है इसका कोई प्रैक्टिकल बेसिस नहीं है कि किसी चीज से प्रूफ किया गया इसको, बल्कि रिजल्ट्स को हमको सपोर्ट करना था। वी हैव टू सपोर्ट द रिजल्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम द प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कार्बन जो है उसकी जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ है CH4 में वो सेम है, इसलिए उसके ऑर्बिटल सेम होने चाहिए, ये प्रैक्टिकल शो कर रहा है। तो हमने एक नई थ्योरी को सिर्फ बनाया, हाइपोथेटिकली उसको मेटअप किया और उसको बनाया। तो हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई इसको प्रूफ नहीं किया है कभी कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइज होते हैं ऑर्बिटल की नहीं, इट्स एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल हाँ ये चीज याद रखें। स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है क्या, इसमें लिख के दे रहा नहीं है। अब देखो नीचे हो गया, अभी लिख लो। तो इसको भी लिखें, तो अब मैं तुमको समझा चुका हूं कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंस है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन की नीड हुई। बिकॉज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमको एक नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। वेरी गुड, देखो मैं लिखाता हूँ हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तुमको इतना समझ में आ गया है कि यहाँ पे जो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे हैं, आपस में सेम है। अब लिखो हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों है। ओके, तो मैं व्हाइट बोर्ड ही यूज करने जा रहा हूँ, शायद सही हो पाए। ओके देखो हेडिंग डालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। वन सेकेंड, ये एक्चुअली कोई भी इसमें वर्क नहीं हो रहा है। ओके,
तो लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, जैसे हमारे पास 2s है, 2px, 2py, 2pz, तो देखो इनके ओरिएंटेशन भी अलग अलग हैं, इनके शेप भी अलग हैं, बट इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी बहुत उनमें डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट सेम है। बिकॉज जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे हम 2s की बात करें, 2px, 2py और 2pz, तो इनकी तीनों की एनर्जी तो कैसी है, सेम है। ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही सबशेल के हैं। इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, इसकी थोड़ी कम एनर्जी है, बट ओवरऑल ये सेकेंड शेल के हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन है वो कैसा है इनका, सेम है। तो एनर्जी में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है या थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होता है, या ऐसे प्रैक्टिकली कहें कि जो एक ही शेल में बिलोंग करते हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग होती है, और इंटरमिक्सिंग के बाद नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और इन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके नंबर्स, नंबर ऑफ इंटरमिक्स ऑर्बिटल्स के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2s, 2px, 2py, 2pz, तो टोटल चार ऑर्बिटल्स हैं। अगर इनको हम इंटरमिक्स कराएं और नए ऑर्बिटल्स बनाएं, तो फोर न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और जो नए चारों ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी और उनके शेप कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, किसी ने एक्चुअल में ऐसा शेप तो देखा नहीं उसका है, बट चूंकि अगर हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट को एग्री कर लें, उसको मान लें, तो उससे क्या होता है, जो CH4 मॉलिक्यूल है उसके शेप को हम आसानी से समझा सकते हैं, या फिर कोई SO2 मॉलिक्यूल है, SO3 मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बहुत सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या उससे पहले जो थ्योरीज थी उनसे वो एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। सो वी हैव टू राइट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्योर का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल होते हैं, प्योर। जैसे 2s एक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2px भी एक प्योर है, हैविंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज, तब होता है ये हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग के टाइम, सिर्फ एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग, एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग इंटरमिक्सिंग होगी, एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्डिंग के टाइम पे होता है, एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जीज। उनके शेप और उनकी एनर्जीज अब जा करके सेम हो चुकी हैं। बताओ तुम्हें CH4 मॉलिक्यूल में इसी चीज की तो नीड थी, कितने लोग एग्री करते हैं भाई, CH4 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए क्या जरूरत पड़ रहा था, कार्बन के चार ऑर्बिटल जिनके शेप सेम हो, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो, क्योंकि अगर एनर्जी सेम नहीं होगी तो फिर बॉन्ड एनर्जीज डिफरेंट हो जाएंगी। लेकिन CH4 मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली क्या बता रहा है, कि सारे के सारे बॉन्ड लेंथ भी सेम है, सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स भी 109.5 डिग्री हैं, और सब CH बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी सिमिलर है, सेम है। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके अंदर बात करेंगे कि कैसे इंटरमिक्सिंग होती है। मान लो हमारे पास, इसके पोस्टुलेट्स मैं नीचे लिखाऊंगा, बट मैं पहले इसको थोड़ा समझा देता हूं। अगर हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, ये 1s इसका नाम नहीं है,
ये वन है काउंटिंग नंबर, वन एस ऑर्बिटल, और हमारे पास क्या है वन पी ऑर्बिटल। तो बताओ इसकी मिक्सिंग से हमारे पास क्या मिलेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये वो ऑर्बिटल्स ऐसे दिखाए जाएंगे। ये क्या है, टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको मिक्स किया, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। हमें याद रखना है हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, किसी भी ऑर्बिटल को मिक्स करने से बना है, उसका शेप हमेशा ऐसा ही दिखाएंगे। और तुमको पता है ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो इसका बड़ा लोब होता है बिगर लोब, यही लोब जो है पार्टिसिपेट करता है इसमें, पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग। और हमें याद रखना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा कैसे बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, वो हमेशा डायरेक्शनल होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, और हमेशा कैसे बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। तो इन सब बातों पे हम लोग और भी काम करेंगे। पहले ये बताओ अगर मैंने दो ऑर्बिटल मिक्स किए तो नए कितने ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड टू। अच्छा टू अगर बताओ मैंने तीन मिक्स किए तो नए कितने बनेंगे, थ्री थ्री बनेंगे। उनके सबके शेप कैसे होंगे, जैसा ये दिख रहा है ऐसे ही होंगे, उनके शेप जो होंगे वो सेम होंगे, बट जितने ज्यादा ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे उतना ऑर्बिटल का साइज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमने उसके अंदर ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को लिया होगा। जैसे हमने 2p लिया है ना, ऐसे हम 2px 2py लेंगे, तो सबके एनर्जी का क्या होगा वहां पे, आपस में इंटरमिक्सिंग के बाद सिमिलर एनर्जी आएगी। अगर हमने थर्ड शेल का लिया है तो उसका शेप जो है सेम होगा बट उसका साइज बड़ा होगा, बिकॉज सेकेंड जो है जो शेल होती है उसके ऑर्बिटल्स छोटे होते हैं, जैसे 2s और 1s में 2s बड़ा होता है 1s छोटा होता है। ये सारी चीजें इस पे भी लागू हो जाएंगी और इसकी साइज को भी वो जो है अफेक्ट करेंगी, बट शेप जो है हमेशा याद रखना ऐसा ही होता है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। छोटा लोब पैसिव लोब होता है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। कई बच्चे पूछ सकते हैं ना, सर छोटा वाले का क्या काम है, इसका कुछ काम नहीं। कई बार तो हम इसको बनाना ही छोड़ देंगे आगे चल के, अभी तो बना भी रहे हैं इसको, मतलब हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ भी नहीं करेंगे फिर। ओके तो ये नोट कर लें जितने लोगों ने नोट नहीं किया है। फिर पॉस्टुलेट्स लिखाता हूँ, पॉस्टुलेट्स में हम एक एक पॉइंट पे जो है बात करेंगे। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो तुमको समझ में आनी चाहिए, जल्दी से इसको नोट करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाइब्रिडेशन हमेशा नहीं होता है, ऐसा नहीं है एक फ्री एटम है अपने घर में बैठा हुआ है अब उसका हाइब्रिडेशन हो, नहीं, एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग होगा, जब कार्बन को चार हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे तब वो हाइब्रिडाइज होगा, बिकॉज उसको CH4 मॉलिक्यूल बनाना है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन तभी होता है जब कोई पर्टिकुलर बॉन्डिंग करनी होती है। नोट हो गया तो आगे बढ़े। सर, इधर जो 1p ऑर्बिटल लिया है उसके अंदर XYZ कुछ भी हो सकता है ना, और उसका हाँ रिजल्ट भी सेम ही रहेगा ना। रिजल्ट रहेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है सर खाली एस एंड पी का ही ऐसा शेप बनेगा ना, नहीं, कैसे भी हो, एस पी डी भी मिलाओ, एक एस दो पी तीन डी मिलाओ, सब आगे पढ़ाने वाला हूं मैं, कैसे भी मिलाओ उनका शेप ऐसा ही आएगा, साइज बदल जाएगा। अगर हमने डी भी मिलाया तो साइज और बदल बड़ा हो जाएगा, अगर हमने थर्ड शेल ले लिया तो साइज बड़ा तो होगा ही, जाहिर सी बात है। सर, ऐसे चलिए दो ऑर्बिटल्स कैसे बन रहे हैं हाइब्रिड के, वो मुझे नहीं समझ आया। मतलब तुम्हारा क्या कहना है, 1s और 1p मिला के एक बनाए क्या, ऐसा लग रहा है तुम्हें क्या, सर, मतलब वो कैसे बन रहा है दो? मतलब ये है कॉन्सेप्ट है ये है, क्योंकि हमारे पास पहले कितने ऑर्बिटल थे, ये दो कार्बन है, अब तुमने इसका एक ऑर्बिटल लिया और बोला बच्चे देखो तुमको मैं इंटरमिक्स करूंगा और एक बढ़िया से ऑर्बिटल बना के दूंगा, तो क्या तुम इसको एक दोगे क्या, बोलेगा कि मेरे साथ तुमने नाइंसाफी की है, मेरे साथ चीटिंग की है, मुझे एक क्यों दे रहे हो। तो इसको दो ही तो देने पड़ेंगे ना, इसके पास दो ऑर्बिटल्स थे तो दो मिलेंगे, इसको दो ही मिलते, ये याद रखना है तुम्हें। ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर वो दो ऑर्बिटल पहले रखता था उससे कितने बॉन्ड बनाता, बताओ बच्चे तुम, दो ऑर्बिटल से कितने बॉन्ड बनाता, वो दो बनाता ना, हाँ। अभी एक दोगे तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा, फिर फायदा क्या हुआ हाइब्रिडाइज करने का। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, हमें इसके शेप को समझाने के लिए हाइब्रिडाइज कराना था। अब तुमने अगर सिर्फ एक ही उसको ऑर्बिटल दिया तो बोलेगा कि यार उससे अच्छे तो पहले दो बॉन्ड बनाते थे हम, अब तो एक ही बना पा रहे हैं, तो उसको दो ही देते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमेशा
दो ऑर्बिटल बनेंगे अगर दो मिक्स होंगे, अगर पांच मिक्स होंगे तो पांच नए बनेंगे। ओके सर। ये याद रखें, ये एक उसका पॉस्टुलेट है, तो मैं पॉस्टुलेट अगर लिखा दूंगा तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम लिखाते हैं पॉस्टुलेट्स, तो ज्यादा समझ आएगा तुमको। एक एक पॉस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना, पॉस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से देखना। पहला जो पॉस्टुलेट है वो क्या है, लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा जो है पॉइंट वो क्या है, वो ये है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। बताओ कौन से वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट कैसी हो, सेम हो, विच हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज। रफली अगर कहें तो ऑर्बिटल्स विद क्या उनका सेम होना चाहिए, बोलो सेम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ वेरी गुड, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। अगर एन सेम हो गया तो मेन एनर्जी लेवल तो सेम हो गया, उसके बाद एल की वजह से हल्का फुल्का जो है डिफरेंस होता है तो वो उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमने वीबीटी में देखा था, उसमें भी हम क्या करते थे 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते थे, जैसे कार्बन के केस में किया, ऐसे और भी जगह पे होता है। तो एक्साइटमेंट अपने अंदर जो है खुद की, जैसे पर्टिकुलर शेल के सब शेल्स के अंदर हम करा सकते हैं क्या एक्साइटेशन, वैसे ही यहाँ पे जब इंटरमिक्सिंग करते हैं तो सिमिलर शेल होनी चाहिए, सेम शेल होनी चाहिए, उसके सबशेल्स के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लिखेंगे द नंबर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें, कई बच्चे इसको भूल जाते हैं, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड। अच्छा बताओ, जो हाइब्रिडेशन होता है ये एक पर्टिकुलर सिंगल एटम के ऑर्बिटल्स में होता है, ऐसा नहीं कर देना कि दो एटम्स के ऑर्बिटल्स को लिया और उनको इंटरमिक्स कर दिया, क्या ऐसा पॉसिबल है, बोलो। नहीं, पर्टिकुलर एटम, जैसे कार्बन अगर बोल रहे हो ना, तो कार्बन के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, ऐसा नहीं कि CH4 मॉलिक्यूल है, कार्बन के ऑर्बिटल्स भी लिए हाइड्रोजन के लिए और आपस में उनको मिक्स करके कुछ नई खिचड़ी पका दी, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ओके, जो एटम है उसके ही ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, पर्टिकुलर एटम के, एक सिंगल जो एटम है उसके, अब दूसरा एटम है उसके आपस में मिक्स होंगे, बट किसी भी इंडिविजुअल ये काम होता है, कभी भी ये दो ऑर्बिटल्स या तीन ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के आपस में मिक्स नहीं होते, इंडिविजुअल एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट जो है वो लिखा देता हूं मैं, कि जो हमारा ऑर्बिटल हो वो कैसा होना चाहिए, जो वो हमारा ऑर्बिटल्स कैसा होना चाहिए कि उसकी हम इंटरमिक्सिंग कराएं, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा बताओ, कोई भी ऑर्बिटल कितने टाइप का हो सकता है, बोलो, वैकेंट हो सकता है क्या कोई ऑर्बिटल फुल्ली, क्या पॉसिबल है, क्या एक वैकेंट ऑर्बिटल पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्या हाफ फिल्ड पॉसिबल है, बोलो बच्चों, यस यस, क्या फुल्ली फिल्ड पॉसिबल है, पॉसिबल है, yes. तो ये तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स ही इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं, तो लिखेंगे ऑल, तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स होते ही हैं, ऑल थ्री टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड लिखो और नहीं एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल्ली फिल्ड
ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैंने तुमको बताया है, जिसको ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन पूछ देते हैं वो लोग। और लिखेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज एज फॉलोज, या जैसे नीचे बना है ना, या ऐसे लिख लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे बनाते हैं। ये देखो बच्चे, अभी सिखाया था, यहां से वो बॉन्डिंग करेगा, ये इसका पैसिव लोब होगा, तो वो ऊपर बनाया हुआ है, फिर से लिख सकते हो, लिख लो, ये हमारा पैसिव है लोब, और यहां से वो बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, ओवरलैप यहां से होगा, ये वाला जो लोब है, इधर वाला एक्टिव लोब इसको बोलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट लिखो बच्चे, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों बने हैं, कोई बताएगा, कब बने, मतलब क्या जरूरत पड़ी थी, व्हाट वाज द नीड, विच पर्टिकुलर टाइम पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, क्या कोई एटम फ्री रहता जब बनते हैं क्या, नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तब बनते हैं जब एटॉमिक बॉन्डिंग, जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग करने जा रहे होते हैं, अगर कोई बॉन्डिंग करना चाहेगा और उसको हाइब्रिडाइज होना पड़े, दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, साथ में याद रखेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हाँ हमेशा कैसा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, तो हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड, क्या खुशी तुमने बोला, नहीं समझ आया मुझे वहां पे जो लिखा है तुमने, लिखेंगे बॉन्ड फॉर्म्ड, हाँ हम लिखेंगे बॉन्ड फॉर्म्ड बाई हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म्ड बाई ये मुझे लगता चल नहीं रहा है, तुम ये मेरा पेन अभी चल नहीं रहा है, तो इसको नोट करो, बोलो अभी तक कोई इसमें डाउट है, पॉस्टुलेट्स में, पॉस्टुलेट्स लिखो, तो हम क्या लिखने वाले हैं, इसके बाद का जो भी पॉइंट लिखेंगे शायद वो दूसरे ऐप में लिखना पड़ेगा, इसमें काम नहीं कर रहा, सुनो, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स, कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सिग्मा मतलब जो दूसरा एटम होगा और इस एटम की जो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन है, दैट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसके अलोंग ही हमेशा बॉन्ड बनाएगा, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज क्योंकि जो बॉन्डिंग हम कर रहे हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनना चाहिए, तभी तो हमने हाइब्रिडाइजेशन को पिक्चर में लाया है, नहीं तो हमारे पास पीपीटी तो थी, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बने, उसका शेप समझ में आए, तो फिर वो हमेशा जो है सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एक और चीज हम याद रखेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और जो लोन पेयर्स होते हैं वही किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करते हैं, पाई बॉन्ड्स कभी भी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड नहीं करते हैं, बिकॉज पाई बॉन्ड्स जो है वो तब फॉर्म होते हैं जब सिग्मा बॉन्ड्स बन चुके होते हैं, और वो कभी भी दो एटम्स को डायरेक्टली अटैच नहीं करते हैं, डायरेक्टली अटैच करने के लिए सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स तो लेटरल ओवरलैपिंग करता है, पाई बॉन्ड में साइड वेज ओवरलैपिंग होती है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो थोड़ी सी दिमाग में रहनी चाहिए, क्या सबने नोट किया ये जल्दी से बताओ, कितने लोगों ने फोर्थ पॉइंट तक नोट किया, एंटर करें जल्दी से, और किसी भी को भी डाउट है तो पूछेगा, ये फॉर इक्वल बॉन्ड क्या लिखा था तुमने, मुझे समझा था इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया कुछ, ठीक है, कल क्या बोला था तुमने बता नहीं सर, आपने okay, पूछा no था ना, कोई भी डाउट क्या था, अच्छा रीजन बताया था, ओके ओके नो प्रॉब्लम, फिर तो वो तो डिस्कस हो गया ना, तो उसमें यही है कि भाई चूंकि उसको बॉन्डिंग करनी है इसलिए वो हाइब्रिडाइज होता है,
और एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद सेम शेप वाले सेम एनर्जी वाले बॉन्ड्स बनते हैं और वो जो सॉरी ऑर्बिटल्स बनते हैं वो ऑर्बिटल्स फिर सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। बचे हुए अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कभी भी सिग्मा बॉन्ड के अलावा कोई भी दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड जैसे कि नहीं बनाते। ये है चीज। आई थिंक ये सबने नोट किया है। फिफ्थ ओके ठीक है तो सिक्स पॉइंट है। नो प्रॉब्लम बन हो गया ना। अब देखो मैं दूसरा ऐप लेता हूँ ये तो अपने पास है ही। मिला जुला के नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे पहले बैचेस में पढ़ाया वो तुमको भेज दूंगा। नोट्स का प्रॉब्लम नहीं है और रिकॉर्डिंग तुम्हारी हो गई है। ओके नाउ लेट्स ट्राई दिस ऐप। क्योंकि मुझे शायद कुछ अपडेट हुआ और रिस्टार्ट करना होगा तब से ही होगा तब हम लोग काम चलाएंगे। ओके तो हम पॉइंट नंबर सिक्स लिख रहे थे। यस ओके तो नाउ
ओके तो अब देखो यहां पे क्या लिखने वाले हैं कि जो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दी बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दी एक मिनट को बस Yes. So, क्या था हमारे पास बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर या बॉन्ड्स लिख लो बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गर देन दी बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ठीक है उसके बाद लिखेंगे सेवंथ पॉइंट पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स इसका एक एक्सेप्शन मिलेगा तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के तीन चार महीने बाद पढ़ोगे जब वो डिफरेंट है वहां पे एक अलग चीज आएगी अभी के लिए याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं नेक्स्ट लिखेंगे ओरिएंटेशन कैसा होता है ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये किस एंगल्स पे ओरिएंटेड होते हैं कैसे 3D स्पेस में कैसे प्रेजेंट होते हैं ये सारी चीजें देखनी है तो पहले तो ये पॉइंट नंबर 6 और 7 लिख गया ये बताओ मुझे आगे बढ़ाएं डन सर एक मिनट यस सर ओके कुछ लोग लिख रहे हैं उनको लिख लेने दो फिर आगे बढ़ते हैं अच्छा कोई भी डाउट आया हो इतने कॉन्सेप्ट के अंदर वो पूछ सकते हो If you are having any doubt, you can ask.
ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे जो चीजें कवर कर रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल है। हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इजी टास्क, बहुत आसान तरीका है उसका, वो बड़ी बात नहीं है। उस पर भी सवाल आते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर कभी भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन नीड में जैसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, तो तुम्हें यही पोस्टुलेट्स जो मैंने लिखाए हैं 7, ये लिखे मिलेंगे वहां पे। गॉट इट? इन्हीं पोस्टुलेट से सवाल पूछा जाता है, तो अब तो उसमें ट्रिक नहीं लगेगी, वो तो कैलकुलेशन का कोई पार्ट नहीं उसमें है। और जो थर्ड वाला पॉइंट है उसके हिसाब से जो कार्बन का इस हाइब्रिड जो ऑर्बिट ऑर्बिटल रहेगा और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, वो दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना? वेरी गुड। कार्बन का जो हाइब्रिडाइज रहेगा, जिसका कि नाम sp3 आने वाला है अभी, ठीक है, उसका नाम भी आएगा, और हाइड्रोजन का जो होगा वो 1s, ये दोनों फॉर्म करेंगे। वेरी गुड, ऐसे बता रहे हो ना? यस, ऐसा होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कार्बन का होगा, और हाइड्रोजन का चूंकि एक ही ऑर्बिटल है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, अकेला तो इंटरमिक्स होगा नहीं, अकेली चीज किसी से कैसे मिक्स हो सकती है, तो वो तो प्योर ही रहेगा, उनके बीच होगी इंटरमिक्सिंग। ये भी नेसेसरी नहीं है कि अगर एक एटम हाइब्रिडाइज हो रहा है तो सबको हाइब्रिडाइज होना, नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। और ज्यादातर मामलों में जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल जिसको बीच में रखते हैं, वो हाइब्रिडाइज होता है, बाकी सारे उससे कनेक्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल एटम्स, वो तो किनारे होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इंपॉर्टेंट, इसी पोस्टुलेट्स में था, बट इसको मैंने अलग लिखा रहा हूँ, ये एक मेन हेडिंग बनेगी कि ओरिएंटेशन कैसा होता है। ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन 3D स्पेस, ठीक है, 3D स्पेस जो हमारा प्रैक्टिकल नेचुरल स्पेस है वो 3D है, हमारा पेपर जो है, हमारी स्क्रीन है, वो तो 2D होती है, लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें सब कुछ 3D होता है, तो 3D ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होते हैं ये हम देखेंगे। अच्छा बताओ, मैं तुमको सारी चीजें दिखाने वाला हूँ और उनके बारे में हम बात भी करेंगे। तो ओरिएंटेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे, लिखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन दी नंबर एंड टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर एंड टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नंबर का तो तुमको अभी तुरंत यहाँ पे पता चल जाएगा, टाइप पे कैसे डिपेंड करता है वो धीरे धीरे आगे भी समझोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे और सारे, बट इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखो, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, तो उनके बीच रिपल्सन भी ज्यादा होगा, तो उनको ओरिएंटेशन करने के लिए हम लोग को फिर देखना पड़ेगा 3D में कैसे मिनिमम रिपल्सन में उनको अरेंज करें। सो नाउ फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, पहला पॉइंट, पहले नंबर पे हम लिखते हैं, जब 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा, तो बताओ कितने न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे नए, हाउ मेनी न्यू ऑर्बिटल्स विल फॉर्म? टू न्यू ऑर्बिटल्स। टू न्यू ऑर्बिटल्स, वेरी गुड। इनका नाम क्या आएगा मैं बता देता हूं, अगर एक एस और एक पी मिक्स हो रहा है तो नाम आता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या नाम आता है इसका, नाम भी क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाँ ऑर्बिटल, इसका नीचे वाले का नाम भी क्या होगा, sp के पी छोटे लिखा जाता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों जो है दोनों के नाम एक ही हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनकी एनर्जी आपस में कैसी होंगी, सेम, इनके शेप तो तुमने देख ही रहे हैं सेम। फिर जो दूसरा टाइप है वो कैसा आएगा, जब हमारे पास 1s और 2p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो बताओ कितने नए बनेंगे, कितने थ्री नए बनेंगे, अरे यहाँ पे भी ऐसे दिखा सकते हो कि ये 1s था
और ये मिक्स हुआ किसके साथ, एक पी के साथ, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्या है, एक एस है और पी कितने हैं बताओ, एक ए है एक ये, दो है। तो इनके ओरिएंटेशन भी अलग होंगे, अगर पी एक्स ये है तो पी वाई से 90 डिग्री पे होगा, बट हमने दिखाने के लिए उसको ऐसे रख दिया है, जबकि ये क्या होगा, अगर ये पी एक्स होगा तो एक क्या लेना होगा, पी वाई या पी जेड कोई लेना होगा इस तरीके से। और हो सकता है वो थर्ड सेल का हो, सेकेंड सेल का हो, या फोर्थ सेल का हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं कितने बनेंगे नए, बोलो, थ्री बनेंगे। सी और नाम क्या रखना चाहिए बताओ। एस पी टू, यस, नाम क्या होगा, एस पी टू लिखेंगे, एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये नाम लिखते हैं इसका। कितने बने हैं टोटल, थ्री बने। सिमिलरली अगर हमारे पास वन एस हो और थ्री पी ऑर्बिटल्स हो, तो हमारे पास एक वन एस होगा और एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड होगा, तीन ही पॉसिबल हैं। यही वाला केस एक्चुअल किसमें आया था बताओ, कार्बन में, है ना, सी एच फोर में। तो इनका नाम क्या होगा, नाम बोलो, एस पी थ्री। SP3। इसको एस पी थ्री पढ़ते हैं, वो अपर स्क्रिप्ट में लिखा है ना, ऊपर लिखा हुआ है, बट इसको पढ़ते क्या है, एस पी थ्री हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये इसका तरीका पढ़ने का। तो इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करें, फिर हम आगे इनकी, अभी तक हमने केवल नंबर बताया, नाम बताया, ओरिएंटेशन पे काम नहीं किया। ओरिएंटेशन पे काम करने के लिए एक कॉमन सेंस की चीज हम लोग समझेंगे, उसके बाद आएगा। सर, इनमें से तीन में, ये तीन में से कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, वो कैसे पता चलेगा? नहीं, ये सब हाइब्रिडाइज तो है, ये जो राइट में है ये इंटरमिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग, उसके बाद क्या बन रहा है बोलो, हाइब्रिड। नहीं सर, कितने मिक्स हो गए वो कैसे पता चलेगा? मतलब इधर एक एस और तीन पी है, या दो पी है, या एक पी, वो कैसे डिसाइड होगा? वो तो इस पे डिपेंड करता है ना, कितने ऑर्बिटल्स उसके पास हैं। जैसे जैसे तुमसे किसी ने बोला कि एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो तुम बता देना कितने होंगे, वन एस और टू पी, नाम से, एक तो नाम से बता सकते हो, एसपी में कितने हुए होंगे, एक एस एक पी, ऐसे नहीं बता सकते हो क्या, एसपी थ्री में कितने हुए होंगे, एक एस तीन पी। अब तुम ये पूछ रही हो अगर कि किस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कौन सा वाला होगा, तो वो देखना पड़ेगा वहीं पे, कितने उसकी ट्रिक है आगे, कि कितने बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, उसके बेसिस पे समझाएंगे, ठीक है। मतलब तुम ये पूछ रहे हो ना सर कि एसपी टू कब होगा, एसपी थ्री कब होगा, है ना। हाँ तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसकी ट्रिक है निकालने की, कि मॉलिक्यूल में कौन सा वाला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। बट कैसा भी हो, अगर एसपी थ्री है तो क्या तुम एक चीज बता सकते हो बताओ, कितने मिक्स हुए होंगे, फोर मिक्स होंगे। फोर। उसमें से एस एक होगा और पी तीन होंगे, इतना तो बता सकते हो ना। हाँ हाँ, ये अभी तक इतना ही सिखाया है। तो जो तुमने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लो तुमने बोल दिया कि सर सीओ टू में बताइए क्या है, अभी वो नहीं पढ़ा है ना, वो आगे पढ़ाएंगे कि इसमें ये कैसे निकालेंगे, सीओ टू में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ाएं, देखो सर, फोर्थ, फोर्थ में देख रहे हैं, बताओ एक एस हो चुका है, तीन पी, बताओ पी तीन से ज्यादा होते हैं क्या किसी भी सबशेल में, नो नहीं सर, होते, तो फिर कौन सा आ जाएगा, डी। एक एस हुआ, तीन पी हुए और एक डी ले लिया, डी अब डिपेंड करता है कौन सा हाइब्रिडेशन है, उसके अकॉर्डिंग आता है वो, है ना, हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग आता है कि कौन सा वाला है। तो कभी डी जेड स्क्वायर आ जाएगा, कभी जो है क्या कहते हैं, बस डी ऑर्बिटल लिखना, ये यहाँ पे नहीं भी बनाओगे, नॉट रिक्वायर्ड है ये, तो भी चलेगा, वो आगे चल के सिखाएंगे कब कौन सा यूज होता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट यहाँ पे कितने बनेंगे ये बताओ मुझे जल्दी से, कितने फाइव बनेंगे, बनेंगे। वेरी गुड, सबका शेप भी सेम होगा, नाम क्या रखोगे उनका, SP3D, क्या नाम रखोगे, SP3D नाम रखोगे, ठीक है।
समझ आया? देखो इसको नोट कर ले। ऐसे ही एक और बनता है आगे, चार पॉइंट है, पांचवे पे आएगा। एक एस होगा और क्या होगा बच्चे? और तीन। पूरी हाँ, उससे कितने बनेंगे बोलो टोटल? सिक्स वेरी गुड। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो समझ गए हो। आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, सिर्फ नाम लिख दो। क्या नाम आएगा? अब तो तुम समझ गए हो ना। तो ये हाइब्रिड तो है ही, अब उसका भी हाइब्रिड भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो समझ ही गए हो। अब अगर ये भी नहीं लिखोगे हाइब्रिड, तो तुमको पता है sp3d2 का मतलब है वो हाइब्रिड होगा, तभी तो उसका ऐसा नाम आया है बात सही नहीं? अब कितने बनेंगे बताओ? सेवन। वेरी गुड, बस यही सिखाना था। तो हम देखो इतना हम सिर्फ इस पे रिड्यूस होके आ गए, क्योंकि हमें अब पता है, अब हमारे माइंड में इमेज बन रही है कि सेवन होंगे, सबके शेप एक जैसे होंगे, तो उसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है। और ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ये हम देख के बता पाएंगे। कोई अगर हमारे सामने ऐसी लाइन लिख दे अब ऐसी, तो वो पूछे ये क्या लिखा हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं बोले आगे पीछे का, तो हम बता देंगे सर ये आपने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है यहाँ पे, ये आप कह रहे हैं कि 1s 3p और 3d मिलके 7 new orbitals बन रहे हैं, जो कि sp3d3 नाम के हैं। दीज आर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, इसलिए हम यहाँ पे रिड्यूस होके आ गए। देखते हैं क्वेश्चंस में तो बहुत कुछ नहीं लिखा होता, जो प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आती, छोटी छोटी चीजें लिखी होती हैं, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना पड़ता है कि ये क्या पूछा गया है, किस चैप्टर का सवाल है, ये इस सवाल में क्या क्वेश्चन पूछा है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो समझ जाओगे प्रैक्टिस से। आगे बढ़ाए इसके बाद, यस सर। यस सर। अब ठीक है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसा होता है? इसके लिए हमारे पास है थ्रेड मेथड। तो जो इंटीग्रेटेड बच्चे हैं उनके कॉलेज लेक्चर्स में ये पढ़ाया मैंने, उनको तो रिवाइज भी हो जाएगा। थ्रेड मेथड ऑर्बिटल्स नहीं, थ्रेड मेथड, या इसको और भी लिख लो नेगेटिवली चार्ज्ड थ्रेड्स कर लो, अब ज्यादा कंप्लीट है मेथड। तो ध्यान से देखना, अगर तुम्हारे पास दो नेगेटिवली चार्ज थ्रेड हो, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए कैसे अरेंज होंगे वो, जल्दी से बताओ। 180 मतलब डिग्री पर। हाँ, कितने थ्रेड हैं? टू थ्रेड्स। किससे अरेंज होंगे ये बोलो बच्चों, कितने लोग को समझ में आया? ये मिनिमम रिपल्सन के लिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? हम सीखने जा रहे हैं ओरिएंटेशन कैसे होता है ऑर्बिटल्स का। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेट इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये हमारा टास्क है। तो दो चीजें अगर नेगेटिव चार्ज हों और वो ऐसे फ्रीली पड़ी हों, एक पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये बंधी हुई हैं, तो मिनिमम रिपल्सन दैट इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए कहाँ पे जाएंगी वो? 180 पे। कितने लोगों को ये समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है ना। तीन थ्रेड में क्या होगा बच्चे बताओ? 120 डिग्री एंगल पे। तीन थ्रेड कैसे अरेंज होंगे? 120 डिग्री एंगल पे। कभी भी तीन थ्रेड हों और वो हमारे पास खड़े हों, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो थ्री डायमेंशनल अरेंज हो जाए, सॉरी टू डायमेंशनली हो पाएंगे। 3D भी करोगे तो वो 2D में बन जाएगा। तीन लाइनें जो हैं वो हमारी 120 पे एंगल मैक्सिमम आएगा उसमें, तो वो 2D में ही रहेंगे। कैसा होगा ये? एक ही प्लेन पे होगा। कैसे होगा ये? एक ही प्लेन पे होगा, क्योंकि अगर हम तीसरे प्लेन में ले जाएंगे तो एंगल 120 से कम हो जाएगा। करके देख लो चाहे तुम। क्या समझ में आ रहा है बताओ? इस वाली लाइन को अगर जेड एक्सिस पे ले जाए तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना बच्चे, रिपल्सन कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। अगर ऐसे रखते ऐसे ऊपर की तरफ,
90 डिग्री होता ना फिर दो के बीच में, तो ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये हमारा लीनियर शेप है ना, और ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेन में है और ट्राइंगुलर फॉर्म में है, तो ट्राइंगुलर भी बोलते हैं, ट्राइंगुलर प्लेन, ट्राइंगुलर शेप। समझ में आया, तीन थ्रेड्स का, बताओ चार थ्रेड बच्चे कैसे अरेंज होंगे, जल्दी जल्दी कराओ, हमारे ऊपर है ये, फोर थ्रेड्स कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रन में अरेंज होते हैं, किसमें बोलो, कितना एंगल होता है इनके बीच का, 109.5 डिग्री, थ्री डायमेंशनल होता है, कैसा होता है ये, नॉन प्लेनर, कैसा है ये, एक प्लेन में नहीं है ये, 3D है, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, कोई डाउट है तो बताओ, अभी तक नोट करो जल्दी से इसको, तो यही कॉन्सेप्ट हम किसमें अप्लाई कर देंगे, ऑर्बिटल्स में, बताओ ऑर्बिटल्स में तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक yes, में ऑर्बिटल्स में इसमें क्या है सारे ये इलेक्ट्रॉन्स, अगर ऑर्बिटल्स भी हमारे पास हो तो उनको हम थ्रेड जैसा ही कंसीडर करके इसमें बताएंगे कि नेचुरली कैसे वो अरेंज होंगे, तो चार होंगे तो टेट्राहेड्रल बनेंगे, अच्छा बताओ पांच होगा तो क्या होगा, जल्दी से, तो नहीं भी पता, कितने हुए, फाइव, तो पांच जो अरेंज होते हैं ना वो कैसे अरेंज होते हैं मैं तुमको सिखाता हूं, पहले तीन 120 पे अरेंज होते हैं, ये प्लेन में है अभी, ध्यान से सुनना बच्चों कि पहले जो है वो तीन कितने पे अरेंज होते हैं, थ्रेड्स 120 पे, अब कितने थ्रेड बचे हैं, दो, दो, दो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएंगे, एक मेरी स्क्रीन के अंदर, एक कहां पे होगा, ये वाला यहां पे जो बना रहा हूं, ये वाला कहां होगा, ये होगा इनवर्ड, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, जिस पेपर पे बना रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, ये कहां पे होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, तुम लोग तो पेपर पे लिख रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो ये समझ में आया, तो ये जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री पे आ जाएंगे, अच्छा जब तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी देवांगी थ्रेड वाला, तो तुमको समझा देता हूं मैं, पहले ये बताओ तुम, ई मिनिमम रिपल्सन के लिए दो थ्रेड कितने एंगल पे रहेंगे बताओ देवांगी, और बच्चे देखो सुन लो जो डिस्कनेक्ट हुए थे, कितना एंगल होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो 180 होना चाहिए नहीं मिनिमम रिपल्सन के लिए, तीन कितने पे होने चाहिए, 120 के लिए, ठीक है, चार कितने पे होने चाहिए, टेट्राहेड्रन के फॉर्म में, चार चीजें अगर हो तो 3D में उनको अरेंज करने का तरीका क्या है, टेट्राहेड्रन, उसमें मिनिमम रिपल्सन होता है उनके बीच, ठीक है, टेट्राहेड्रन, पांच जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये शेप, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसमें जो शेप बनेगा इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप, ध्यान से सुनना, इधर देखो ये एक दो तीन लाइनें हैं और इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस लाइन के नीचे परपेंडिकुलर, ये ऐसे है और ये सॉलिड वेज अंदर की तरफ जो होता है उसको सॉलिड से दिखाते हैं ऐसा, समझ में आ रहा है, कितने लोग को समझ में आ रहा है ये कैसे है, yes. ये इस प्लेन पे है और ये इसके परपेंडिकुलर अंदर और बाहर, ये वाला बाहर है और ऊपर वाला जो है ये अंदर है, अब अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो यहाँ पे जो बनता है ना वो पिरामिड बनता है, क्या बनता है, एक पिरामिड, और नीचे से भी क्या बनता है, एक पिरामिड, इसलिए इस शेप को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, हाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिड,
तो वो ऐसा शेप होता है, देखो मैं तुमको थोड़ा सा उसको रियलाइज कराने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। ये ऐसे है, ये एक प्लेन है, इस पे बना हुआ है, ठीक है। इसको तो दूसरा कलर भी दे सकते हैं, ये ऐसे। कितना एंगल है बताओ, ये तीनों के बीच में 120। 120। ये प्लेन पे हो गए। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा एक ऊपर और एक नीचे, तो बताओ ये जो एंगल है ये कितना होगा? 90। 90 डिग्री। ये वाले एंगल्स कितने हैं? सारे के सारे, ये या फिर इधर वाला, ये सब 90 डिग्री एंगल है। और यहां से इस तीनों को मिलाओ तो ये क्या बना है? एक पिरामिड। पिरामिड। हाँ, पिरामिड तो सबने देखा है ना, मूवीज में भी दिखाते हैं उसको, और फोटोज में भी सब जगह होता है, बुक्स में भी होता है, पढ़ने के लिए भी होता है। तो ये सब मिला के क्या बना? वो हमारा पिरामिड बना। ये जो हमारा प्लेन था पीछे वाला, इसको थोड़ा सा अगर हटा दें तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखेगा, बट उसको भी बनाओ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके ही थ्रू मैंने तुमको सिखाया था देखना। और इसकी अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी तुमको, नेट पे मिल जाएगा और भी अलग अलग जगह पे मिलेगी। तो ग्रीन वाला छोड़ के तुम्हें देखना है, बाकी जो है वो एक पिरामिड को शो करता है, समझे? तो चूंकि अच्छा, इसका जो बेस है वो कैसा है, इसका जो बेस है वो कैसा है बताओ, पिरामिड का जो बेस है वो कैसा है? ये प्लेन है। बेस ट्राइंगुलर है, कैसा है वो बेस, कैसा है इसका? ये देखो, बेस ट्राइंगल दिखा सबको ब्लैक से, ये बेस कैसा है इसका? ट्राइंगुलर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ट्राइंगल से बना इसलिए बोलते हैं ट्राइगोनल, और दो पिरामिड है, पिरामिड वन ऊपर है और पिरामिड टू नीचे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाई मतलब दो। सबको समझ में आया? आगे बढ़ाएं, कोई नोट कर रहा है क्या? ग्रीन, सर ऊपर का थोड़ा करना। ओके, कहाँ पे नोट करना है बताओ, किस जगह पे बताओ? हाँ सर, हो गया हो गया। एनी मोर रिमेनिंग? डन सर। जल्दी जल्दी करते हैं। कितने थ्रेड्स थे? पांच, अब सिक्स थ्रेड है ना। कैसे अरेंज होंगे? बताओ, पांच में मैंने क्या था? बेस कैसा बनाया था? ट्रायंगुलर है ना, और छह में क्या करेंगे? बेस जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा। ऐसे तो चलो डायरेक्ट ही बना देता हूँ, क्यों क्यों तुमको ज्यादा समझने में दिक्कत हो। ऐसा देख, बोलो ये क्या है? कितने थ्रेड हुए इसमें बताओ? चार। फोर दिख रहे हैं सबको? फोर। यस सर। एक जो है ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मेरी तरफ आ रहा है, और एक मुझसे दूर अंदर की तरफ जा रहा है। ये चीज समझ रहे हो कि नहीं, बताओ जल्दी से। एक जो है यस सर। वो ऐसे है और दूसरा जो है वो ऐसे है। ये वाला आउटवर्ड है और ये वाला इनवर्ड है। तो फिर ये बताओ सबके बीच का एंगल कितना होगा, हर एक के बीच का? बोले बच्चों, अरे बताओ ना कितना 90 डिग्री। एंगल? 90 डिग्री, वेरी गुड। तब ये ऐसा है, ऐसा, ठीक है। ये इस प्लेन पे जैसे है, चार चीजें हैं, तो ये इस तरीके से आएगा एक स्क्वायर है ना, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ऐसे, और यहां से सबको हम मिलाएंगे। यहाँ पे सबको मिलाया, इधर भी इसको मिलाया, तो ये जो बनता है शेप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहीड्रल। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, ऐसे ही बना सकते हो।
ये ऊपर से पिरामिड जैसा दिखता है और नीचे से भी कैसा दिखता है, पिरामिड जैसा। ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, ऑक्टाहेड्रल। तो ये मिला दो, ये क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल। इसका एक और नाम क्या हो सकता है बताओ, बताओ ये ऊपर पिरामिड है कि नहीं, कितने बच्चों को पिरामिड दिख रहा है, ये नीचे पिरामिड है, यस और सर। ये जो बेस है ये कैसा है, शेप क्या है इसका, स्क्वायर। तो ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या है बोलो, बताओगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल, बोलो समझ में आया। यस सर। इसको थोड़ा अच्छे से मिलाना। तो 6 थ्रेड्स को हमने सिखा दिया तुम्हें, एंगल कितने हैं सबके बीच के आपस में, 90 डिग्री। इसको बनाओ, नोट करो। सेवन सेवन वाले में सेवन थ्रेड अगर हम, तो कितने थ्रेड बनाए हमने, 2 3 5 6 और 7, 3 2 5 2 7, बताओ कैसे होंगे 7 थ्रेड्स। तो याद रखना है, रेगुलर पेंटागन बनाना है। क्या बनाना है, पेंटागन सबको पता है क्या होता है, जिसके 5 साइड्स होती है, कितनी, 5। और ये उसके अंदर क्या है, थ्रेड्स हैं, ये वाले थ्रेड्स हैं। इसका कलर मैं दूसरा ले ले रहा हूँ, ये चल नहीं रहा है, ये नो प्रॉब्लम, बंद किया फिर से, 1 मिनट को। ओके देखना ध्यान से, ये है, देखो ये जो है ना, ये है थ्रेड्स। बताओ ये एंगल कितना होगा, कौन बता सकता है ये एंगल कितना होगा, ये पेंटागन है क्या, ये रेगुलर पेंटागन, इसका एंगल कितना होता है बच्चे, कोई बताएगा, 72 डिग्री, नहीं बच्चे 72। देखो कैसे निकालते हैं मैं सिखा देता हूँ, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है बताओ, 360। वेरी गुड। और 360 को कितने में डिवाइड कर रहे हो बताओ, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल, कितनी जगह डिवाइड हो रहा है, 5। तो 360 by 5 कितना आएगा, 72 डिग्री, ये एंगल 72 डिग्री होता है, ठीक है। और ये इस प्लेन पे है पेंटागन, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये 2 थ्रेड्स और होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे। तो यही हमारे ऑर्बिटल्स के केस में भी होगा, और इसको हम लोग ऐसे जब मिलाते हैं पूरा सबको एक साथ ऐसे, ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, पेंटागनल बाई पिरामिड। तो अच्छा नहीं बने कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, अगर तुम अच्छा नहीं बना पाते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, है ना। दूसरा एक इसके अंदर बात बता देता हूँ, ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये तो हमने बता दिया, ये जो पेंटागन के खुद के बीच का एंगल होता है साइड्स का, ये कितना होता है बताओ, 104 डिग्री, ये भी याद रखना। तो ये फॉर्मूला कभी बताऊंगा आगे जरूरत पड़ेगा तो, और एक बना देना ऐसे इनवर्ड वाला, और एक बना देना ऐसे आउटवर्ड वाला, ये इनवर्ड जा रहा है और ये आउटवर्ड जा रहा है। तो बताओ ये जो एंगल्स हैं इन इनके जो है ऑर्बिटल्स के बीच में, ये जो थ्रेड्स हैं इनके बीच में, ये एंगल कितना होगा बताओ, प्लेन वाले और परपेंडिकुलर वाले के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो बस समझ तो गई हो, इतना ही समझना है, और जैसे आगे आता जाएगा वैसे और एक्सप्लेन करेंगे। सबने लिखा ये,
यस हो गया। अब देखो सिमिलरली अगर ऑर्बिटल्स हैं तो बताओ दो अगर sp ऑर्बिटल्स हैं कैसे अरेंज होंगे बताओ कितने एंगल पे बोलो कितने एंगल पे अरेंज होंगे। वो भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, उनके बीच तो बहुत इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। अगर तीन हैं sp2 कैसे अरेंज होंगे बताओ बच्चे 120 डिग्री एंगल। तो छोटा वाला जो लोब है वो बनाने की जरूरत नहीं है, उसको हटा सकते हो। कितना एंगल होगा 120 डिग्री। इसको शेप को क्या बोलेंगे लीनियर, इसको क्या बोलेंगे बताओ ट्राइगोनल प्लेनर है ना, या प्लेन ट्राइंगल। ठीक है तीसरा ले आओ, जब चार हो 4 sp3 ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होंगे ये कोई बताएगा क्या शेप होता है ये। टेट्राहेड्रल। हाँ तो तुम्हें समझा दिया ना क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों क्यों ये ऐसे अरेंज हो रहे हैं पर्टिकुलर एंगल्स पे, व्हाट इज द रीजन। सर स्टेबिलिटी आए होते और मिनिमम रिपल्शन होता है। यस वेरी गुड। sp3d कैसे अरेंज होंगे बोलो, ऐसे ना ये परपेंडिकुलर। हाँ क्या ये प्लेनर है? नो सर। हाँ 3D है। ठीक है बाई पिरामिडल। पांचवा पे देखो, जब 6 sp3d2 होंगे कैसे अरेंज होंगे बताओ, याद है कितने लोग को याद है बोलो सर। ऑक्टाहेड्रल। हाँ कैसे था ये, ऐसे अरेंज होंगे। बढ़िया से बनाओ थोड़ा, मैंने कुछ छोटे ही बना दिया इधर वाला, फिर भी ठीक है, समझ में तो आया है तुमको पहले का, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इसका नाम क्या आएगा, 7 पे कितना आएगा, 7 अगर ऑर्बिटल से तो क्या नाम आएंगे उनके, sp3 d3 कैसे अरेंज करोगे। इसको आराम से करते हैं ध्यान से, 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा क्या, ऐसा तो नहीं आएगा। ठीक है तुम लोग देख लेना वो कैसा आता है, और दो ऊपर होंगे ना, कैसा शेप आया था बच्चों बताओ, ये कैसा आया था, पेंटागनल बाइपिरामिडल। हाँ इस पे अच्छा तरीका क्या होता है इसको बनाने का, पहले एक रेगुलर पेंटागन बनाओ। रेगुलर पेंटागन बनाने का तरीका क्या है, दो ऐसी लाइन बनाओ, फिर हल्का सा अंदर की तरफ बेंट ऐसे बनाओ, और फिर ये बन गया ऑलमोस्ट पेंटागन है। फिर ये बीच में जो है वो क्या है, एटम का सेंटर, ये क्या है एटम का सेंटर, यहाँ से ऑर्बिटल्स बना दो ऐसे ऐसे। ठीक है ये तो हो गया इस पे, और एक परपेंडिकुलर वाला, ये परपेंडिकुलर वाला ऐसे, इनको थोड़ा सा कलर, इसका नाम क्या हो गया, बोलो समझ आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं है इसमें। नो वेरी गुड। तो ये सब चीजें हम पूछेंगे तुमसे, कि पूछेंगे भाई ये ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कितना है, बोलो कितना एंगल है, ये जो ऑर्बिटल्स ऊपर इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और आपस में इनका 180 पे है। तो हम तब तुमको सिखाएंगे इनको क्या बोलते हैं, जो प्लेनर पोजीशन होती है ना, ये प्लेनर, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल पोजीशन। क्या बोलते हैं इनको, इक्विलेटरल और प्लेनर एंगल्स होते हैं। और जो ऊपर होते हैं, जो ऊपर होते हैं परपेंडिकुलर वाले, ये वाले एंगल्स, इनको क्या बोलते हैं बोलो, एक्सियल। ये कहां पे होती है पोजीशन, एक्सियल पोजीशंस।
बताओ इसमें कितनी एक्जियल पोजीशन है, इसमें एक्जियल ऑर्बिटल्स कितने हैं एक्सिस पे, जो हैं जो परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन के, बोलो देख के बताओ। दो ही है ना, एक ये और एक ये, कितने ऑर्बिटल हैं एक्सिस पे, दो, और प्लेन में कितने हैं, पांच। बोलो ये सब समझ में आ रहा है, किसी यस सर। को इसमें डाउट है तो पूछेगा, किसी को इसमें डाउट है तो पूछेगा, ठीक है। ये कितने हैं कि पांचों किसमें, प्लेन पे, लेकिन ये जो दो हैं एक अंदर और एक बाहर, बड़ा इसलिए दिखाया ताकि समझ में आए ये दोनों कैसे होते हैं। एक्सियल, एक्सियल का मतलब समझते हो कि नहीं, एक्सिस जो होती है, जैसे ये हमारा अगर पेंटागन है तो ये पॉइंट से जो लाइन अंदर की तरफ पास होगी इसको कट करते हुए, इनसाइड और आउटसाइड, है ना, इनसाइड और आउटसाइड, ये लाइन को क्या बोलेंगे, इसकी एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब कुछ, बोलो कहीं से नोट करना है, कुछ लिखना है तो बताओ, बताओ इतना समझ पाओगे। देखो बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, ये बहुत इजी है, बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेम्बर इट, बिकॉज मैं नेक्स्ट क्लास में इससे पूछूंगा और इस पे हम लोग के नए कॉन्सेप्ट जो आएंगे वो इस पे बेस्ड होंगे। तो कर लोगे सब, यस सर। कुछ लिखना बचा हो तो बताओ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एनीथिंग रिमेनिंग, बोलो बोलो। सर ऊपर के रह गए कहाँ पे, हाँ यही। बोलो ओके, सॉरी था वो, सॉरी। हाँ भेजेंगे, नहीं दिख नहीं रहा क्या रहा तुमको, बोलो भेज देंगे, चलो ठीक है दोबारा भेज देंगे। सबने लिखा है, एनीवन रिमेनिंग, ओके यस वेलकम। चलो इसको बंद करें, जल्दी से बताओ किसी का रह गया हो तो बताए। डन सर, ओके चलो बाय एवरीवन। बाय सर।